सिम्बायसिस यूनिवर्सिटी और सिम्बायसिस कॉलेज, सिम्बायसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी इज क्वाइट रेप्यूटेड, वेल नोन फॉर इट्स कोर्सेज, कैंपस प्लेसमेंट, लॉट ऑफ फैक्टर्स. इन दिस वीडियो गाइस आई एम गोना टॉक अबाउट सिम्बायसिस पुणे, बिकॉज सिम्बायसिस के काफ़ी ज़्यादा कैंपसेस है, बट आज हम स्पेसिफिकली पुणे कैंपस के बारे में बात करेंगे कि कॉलेज कैसा है, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी, बिकॉज सबसे पहला क्वेश्चन सिम्बायसिस को लेके आता है उसकी फीस, बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. प्राइवेट कॉलेज है, डीम्ड कॉलेज है, उनकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, तो क्या ये वर्थ इट है, एंड वॉट इज द फैसिलिटी, फैकल्टीज, क्राउड क्वालिटी, everything in detail I'll tell you, also the admission process, set ke liye kaise prepare karna hai, that tips also I'll give you so that you can prepare well. Interview round bhi hota hai is college mein, so everything in detail step by step I'll tell you, so make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, be it colleges, career, everything, so make sure that you subscribe to the channel to get all the important updates and information. लेट्स टॉक अबाउट 2023 एडमिशन. अगर आप इस साल इस कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो टुडे इज़ द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द यूजी प्रोग्राम. सो यस, अगर आप यूजी प्रोग्राम करना चाहते हो तो आज एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, आज आप रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद जो है फॉर्म्स क्लोज हो जाएंगे. सो आई विल टेक यू थ्रू देयर वेबसाइट टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स. अगर आप डेट्स देखें तो 12th अप्रैल विच इज़ टुडे इज़ द लास्ट डेट, देन योर एडमिट कार्ड्स विल कम ऑन अप्रैल 22nd. इफ यू आर गिविंग एंट्रेंस एग्जाम, आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है तो ऑब्वियसली यू नो द डेट्स आर मे 6th एंड मे 14th. सो दीज आर द टू डेट्स फॉर SET, SIT, EEE एंड SLAT. ये तीनों के एग्जाम के लिए आपके जो टाइम स्लॉट हैं उसके हिसाब से आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगी, एंड योर रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन 24th ऑफ मे. उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू राउंड. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू, पहली चीज तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका जो सिलेबस है और सैंपल पेपर दोनों ही आपको ऑनलाइन मिल जाती है. वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है सैंपल पेपर देख लें और जो सिलेबस है उसके हिसाब से प्रिपेयर करें. तो अगर आप लॉ का एग्जाम दे रहे हो विच इज स्लैट, देयर इज अ सिलेबस दैट यू हैव टू फॉलो, आई विल जस्ट टेक यू थ्रू, विच इज लॉजिकल रीजनिंग. देयर विल बी 12 क्वेश्चंस फॉर 12 मार्क्स, देन लीगल रीजनिंग 12 क्वेश्चंस फॉर 12 मार्क्स अगेन, एनालिटिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स. सो ये 12 क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स वैसा ही उन्होंने फॉलो किया है, विच इज टोटल 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट. रही बात जनरल नॉलेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका स्लैट का पोर्शन है. देन कमिंग टू, अगर आप SET दे रहे हो विच इज फॉर योर मीडिया BBA, all those courses, then you have general test, quantitative, general awareness and analytical and logical reasoning, जिसमें आपका law का जो syllabus है वो निकल जाता है. वहाँ पे चार module है, 16 question for 16 marks, again आपका जो paper है वो 60 marks का होगा. Now coming for SIT EEE, which is for engineering entrance. Now उसके लिए आपको है physics, chemistry, mathematics. आपके जो 15, 15, 30 में divide हुआ है, again 60 mark का paper है, MCQ format में होगा. So this is what is your syllabus that you have to follow for preparation. इसके लिए books भी है, and if you are preparing for SET, we do run a crash course. आप उसके लिए भी enroll कर सकते हो. If you are interested to enroll for SET preparation, then you can just WhatsApp on this number and all the details will be given to you. Classes कैसे होंगे and you know what is the payment, all the details you will get on this WhatsApp number. One more important thing that you should notice, जो उन्होंने star mark करके लिखा है, under any unavoidable circumstances के चलते test can be completely online or completely offline or both the modes combined, वो college decide करेगा. So एक बार जब आप entrance के लिए enroll कर सकते हो तो ये चीज़ें change हो सकती है अगर कुछ ऐसा circumstances होता है, जैसे कि COVID situation हुई थी last to last year, so उसके चलते इन्होंने ये पहले ही ultimatum दे दिया है कि please take a note of it. बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सभी सेक्शन को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉलेज रिव्यू, स्पेसिफिकली पुणे कैंपस कैसा है. गाइस पुणे कैंपस इज क्वाइट हैपनिंग, पीपल आर लाइक यहाँ का क्राउड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाईफाई है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फीस. नाउ जस्टिफिकेशन ऑफ द फीस, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, येस सिम्बायसिस डज जस्टिफाई द फीस बिकॉज इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ प्रीमियम फैसिलिटीज, विच मीन्स देयर इज प्रॉपर क्लासरूम, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर,
everything is being provided to the students, from library to gymming, everything is available inside the campus, and obviously it is one of the biggest residential campus of our country. Now, talking about the faculties, according to the student reviews, they have quite a good faculty, which means they are industry expert and they are knowledgeable whatever they are teaching. Like jo bhi field ki agar aap baat karo, especially mass media, BBA, ye do popular courses hain kafi zyada. Obviously law is one of the premium course that is there in Pune campus. So yes, law, BBA and mass media ka kafi acha review hai. They do have good specialization as well. Now coming to the placement ke liye bhi kafi achhi companies aati hain. So on an average there is 60-70% of the placement every year. So if you're really good at it and you really perform well, then you do have a scope to get yourself placed in a good company. So placement wise also, Symbiosis is doing quite well. As this university is internationally affiliated, there are a lot of positive things that students have to say is when they are on campus, they are learning a lot of things, be it networking, be it personality development, be it gaining a lot of confidence to talk to people or perform on stage. So yes, there are a lot of positive points. Now, when we say ki kya kuch negative nahi hai, guys, negative is there when you personally are not performing and think ki bhai, mujhe loan leke is college mein jana padega to. So if you are like in a situation where you can't afford like 15 lakhs to 25 lakhs for a graduation, then you do have an alternative and a good option as well. See, now if you can afford the fees, because as we know in a country like India, it's really difficult ki on an average hum 5 lakh ki fees de salana, which is minimum in Symbiosis. And when we talk about what is worth the money, it's completely on you guys. So if you are getting the top class facilities and faculties, it is on you to decide whether you want to pay that much fees or no. And aap uska worth nikal paate ho ki nahi. If you can make sure ki aap khud ROI nikal paoge, then yes, and if you can afford it, I would say it's a really good option. But if you are in a fix that boss, agar Mumbai mein aap Xavier's College mein padhte ho, to aapki fees salana sirf 35,000 hoti hai. Agar aap arts karte ho, to aapki fees aur kam ho jaati hai. But yes, obviously there will be difference in the facilities a lot. So wahan pe aapko dekhna hai ki aap kya chahte ho. It is not just about the fees, but a lot of factors that you put in context. So if you get a better college, like there's Ferguson College also in Pune, jiski fees bahut hi zyada kam hai, to aapko decide karna hai ki aap skill set jo ki bahar se seekhna chahte ho, ki aap Symbiosis jaise college mein jaake padhna chahte ho, so completely on you ki aap ye money ko evaluate kaise karte ho. There is nothing like ki agar aap 15 lakh bharte ho to aapko koi aisa extra add on de denge wo ki aapko you know baithe bithaye job mil jayegi, wo to nahi hone wala hai. Aapko aapki mehnat utni ही करनी है, थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज दे गिव यू अ बेटर प्लेटफॉर्म एंड अ बेटर नेटवर्किंग दैट दे प्रोवाइड. दैट इज द कन्वीनियंट थिंग दैट यू गेट व्हेन यू आर पेइंग सो मच ऑफ फीस. बट व्हेन यू आर नॉट पेइंग दैट फीस, यू हैव टू गो हार्ड वे एंड अटेन इट. बट यू कैन, आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट यू कैन डू इट. सो ओवरऑल आई वुड से यस, Symbiosis इनडीड एजुकेशन वाइज इज अ वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली द पुणे कैंपस. अदर कॉलेज कैंपस का अलग से मैं रिव्यू बना के डाल दूंगी, बिकॉज हर कैंपस का अपना एक एक्सपीरियंस है, बिकॉज क्राउड डिफर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स डिफर करते हैं मेन कैंपस और जो उनके पास 15 कैंपसेस हैं इन टोटल. सो ऑल द 15 कैंपसेस अगर हम बात करें, और अलग अलग स्टेट्स में भी है और अलग अलग सिटी में भी है, तो वहां का जो है वो सिमिलर रिव्यू नहीं है. सो उसके लिए आई ट्राई टू गेट इन टच विद द स्टूडेंट्स एंड मेक अ रिव्यू एंड पुट इट अक्रॉस, सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ दैट एज वेल. उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो, एंड आई विल बी पुटिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग की कौन सी बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विच गोना डेफिनेटली हेल्प यू. सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून टू द चैनल. आई होप गाइस द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर लॉट ऑफ सच अमेजिंग वीडियोस ऑन मीडिया मेंटेड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.